का मतलब है कृपा, यानी कि कृपा से उल्टी दिशा में जाना। दूसरा अर्थ बताया जाता है अपराध, राध, राध का मतलब राधा रानी, और अप का मतलब बिना, यानी कि हमारी भक्ति बिना राधा रानी के, बिना राधा रानी की कृपा के, जो कि संभव नहीं है। तो अगर नाम अपराध के साथ भक्त जप करता रहता है तो अपने जीवन के लक्ष्य कृष्ण प्रेम को पाना असंभव है। और इस नाम अपराध से हमें मुक्ति मिलती है नाम की ही शरण लेकर। नाम कौमुदी ग्रंथ में बताया गया है कि अगर हम नाम अपराध करते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें नाम की शरण लेनी चाहिए, पश्चाताप के साथ, क्षमा मांगते हुए और अधिक से अधिक जप करना चाहिए ताकि हम नाम अपराधों से मुक्त हो सके। हरे कृष्ण महामंत्र की।